हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिटीजनशिप। ये हम लोग कवर कर रहे हैं पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन, जिसमें ऑलरेडी हम बहुत चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लिया है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये अमेंडेबल है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि हमारे जो आर्टिकल वन से लेके आर्टिकल फोर के में यूनियन और टेरिटरी के बीच में लिखा हुआ है, आर्टिकल वन में क्या है, आर्टिकल टू में क्या है, थ्री में क्या है, फोर में क्या है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दूसरा पार्लियामेंट की क्या पावर होती है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के बारे में, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर कौन कौन सी टेरिटरीज़ हैं जो हमने बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था या नहीं किया था, उसके बारे में डिस्कस किया है। फिर हमारी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी उसके बाद से अब तक के जो नए नए स्टेट्स इवॉल्व हुए हैं, हमारा जो आज का इंडिया का पॉलिटिकल मैप है क्या वैसा ही इंडिपेंडेंस के टाइम पर था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इनिशियली फोर फोल्ड कमीशन आया था, हमने वो देखा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। उसके बाद उन पार्ट को अबॉलिश करके 14 स्टेट्स बनाए गए थे, और उन 14 स्टेट्स बनाने के बाद आज तक की हमारी जो जर्नी है 28 स्टेट्स की, वो हमने देखी थी कि कैसे नए नए स्टेट फॉर्म हुए थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में, क्या होती है ये सिटीजनशिप, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, कैसे कंट्री हमको ये प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है सिटीजनशिप। दूसरा हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रोविजंस लिखे गए हैं। फिर तीसरा हम देखेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, और चौथा हम देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, फिर देखेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा साथ में हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके ऊपर अभी कोविड के पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो क्या है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें जो जो लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप वाला चैप्टर। चलिए देखिए, ये है सिटीजनशिप। देखो, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, सिटीजनशिप मतलब होता है कि आप उस कंट्री में रहते हो, वहाँ पे आपका रेसिडेंट है, वो उस कंट्री का सिटीजनशिप डिसाइड करता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारी सिटीजनशिप क्या है, इंडिया है। अगर हम यूएसए में रहते तो हमारी सिटीजनशिप क्या होती है, यूएसए होती है। ठीक है, वो होती है सिटीजनशिप। अब ये जो सिटीजनशिप होती है वो दो तरह की होती है, दो तरह के लोग जो होते हैं इंडिया में, दो तरह के लोग रहते हैं। इंडिया इज़ टू काइंड ऑफ द पीपल। पहले होते हैं जो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, दूसरे होते हैं जो एलियंस होते हैं। एलियंस मतलब जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं लेकिन वो दूसरी कंट्री से आकर इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, इन सिटीजन्स कौन होते हैं, जो फुल मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के, हमेशा इंडियन स्टेट के मेंबर रहेंगे, वो होते हैं सिटीजन्स। और ये जो सिटीजन्स होते हैं वो सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। मतलब हमको वोट देने का राइट है, हमको जो गवर्नमेंट स्कीम निकालती है उसको एक्वायर करने का राइट है, तो हम जो भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं एलियंस। एलियंस जो होते हैं आर द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट, किसी और कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, इसलिए वो सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं करते हैं। किसी भी कंट्री में अगर आप वहाँ के सिटीजन नहीं हो तो आप सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और सारे जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको आप एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे हमारी इंडिया में है, इंडिया का पीएम सिर्फ इंडिया का ओरिजिन, इंडिया का जो सिटीजन है वही सिर्फ यहाँ का पीएम बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कल को आके कोई भी इंडिया में रहने लग जाएगा और वो इंडिया का पीएम बन जाएगा, फिर ये तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी ना। अब हम यूएसए जाए और यूएसए में जाके वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो कंट्री का सिटीजन होता है उसी को पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वहाँ की कंट्री को रन करने के लिए। ठीक है, अब एलियंस में भी दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है फ्रेंडली एलियंस, दूसरे होते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस जिस ऐसी कंट्री से लोग आए हुए हैं जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, और एनिमी एलियंस वो होते हैं ऐसी कंट्री से आए जिसके साथ हमारे एनिमी मतलब दुश्मन की तरह रिलेशन है, जैसे चाइना पाकिस्तान, तो वहाँ से जो लोग आते हैं वो एनिमी एलियंस होते हैं। फ्रेंडली एलियंस मतलब जैसे जापान से कोई आया है, नेपाल से कोई आया है, भूटान से कोई आया है, तो वो फ्रेंडली एलियंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है,
फ्रेंडली एलियंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्री दैट हैव कॉर्डियल रिलेशन विद इंडिया, इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन है. एनिमी एलियंस वो होते हैं जिसके द दैट कंट्री दैट इज़ एट वॉर विद इंडिया, कोई भी कंट्री जो वॉर लड़ रही है इंडिया के साथ, वो जो एलियंस होते हैं फिर वो एनिमी एलियंस होते हैं. जो एनिमी एलियंस होते हैं दे इन्जॉय लेसर राइट्स देन द फ्रेंडली एलियंस. ओब्वियसली तुम्हारी कंट्री हमारे साथ फाइट करी और तुमको राइट्स देंगे, ऐसा थोड़ी होता है. तो दे डू नॉट इन्जॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22. हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 22 है जो ये बताता है, जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है. कोई भी आपको अरेस्ट कर लेता है या डिटेन कर देता है तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो ये जो एनिमी एलियंस हैं, मतलब जिसकी कंट्री हमारे साथ वॉर लड़ रही है, तो उनके पास ये राइट नहीं होता है. मतलब उनको अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है और वो उसके लिए फाइट नहीं कर सकते हैं, एनिमी एलियंस के लिए रहता है. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. बहुत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस दिए हैं इंडियन सिटीजन्स को, लेकिन वो एलियंस के लिए नहीं है. वो राइट्स सिर्फ किसके लिए हैं? सिटीजन्स के लिए हैं, एलियंस के लिए नहीं है. दोनों एलियंस के लिए नहीं है, ना फ्रेंडली के लिए है और ना ही एनिमी एलियंस के लिए है. ठीक है, चलिए. राइट, पहला जो राइट है वो रहे राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है इन पांच बेसिस पे, पांच ग्राउंड पे. मतलब रिलीजन की बेसिस पे, रेस की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे, सेक्स की बेसिस पे, और सेक्स मतलब मेल है या फीमेल है उसके बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे. ये किस में दिया? आर्टिकल 15 में दिया है. ठीक है, तो ये फ्रेंडली एलियन को नहीं, सॉरी सिटीजन्स को ये राइट होता है. फिर दूसरा राइट है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. मतलब कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उसमें आप जाके फॉर्म भर सकते हो, जॉब ले सकते हो, इसका आपको फुल राइट होता है अगर आप इंडिया के सिटीजन्स हो. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आपको पूरा राइट होता है कि आप अपने व्यूज़ रख सकते हो गवर्नमेंट के सामने, असेंबली बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो. वो आर्टिकल 19 में है, ये भी सिटीजन्स के लिए है. चौथा जो राइट है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है. आपको कल्चरली कोई चीज़ एसोसिएशन बनाना है, कोई ग्रुप बनाना है, आपके जो एजुकेशनल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 29 and 30 में आती हैं, वो हमको दिए गए. फिर राइट टू वोट इलेक्शन में, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन होता है, तो उसमें वोट करने का राइट भी होता है सिटीजन्स को. राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब आपको MP और MLA के इलेक्शन में खड़े होने का राइट है. ठीक है, सेवेंथ राइट क्या है? एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस. कोई भी पब्लिक ऑफिस जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है आप उसको होल्ड कर सकते हो. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस आप होल्ड कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये सारी पोस्ट को आप होल्ड कर सकते हो अगर आप इंडिया के सिटीजन हो. ठीक है, अलॉन्ग विद दी एवर, इन सब के अलावा सिटीजन के पास कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ भी होती है. ये तो सारे राइट हो गए. अगर जब हमको कोई राइट दिए जाते हैं तो हमको कुछ ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं. तो इंडियन स्टेट के जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट ड्यूटी है पेइंग टैक्सेस. अगर आप इंडिया में एज अ सिटीजन रह रहे हो तो आपकी जो इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो पेइंग टैक्स सबसे पहली ड्यूटी है. हमारा जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसको हमको रिस्पेक्ट करना है. हमारा जो नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट करना है. अगर कोई वॉरलाइक कंडीशन आती है तो उस केस में हमारी कंट्री को हमको क्या करना है? डिफेंड करना है. तो ये सारी क्या है? इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटी होती हैं. इंडिया में बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. अगर इंडिया में कोई रह रहा है, या तो इंडिया का सिटीजन बाय बर्थ है मतलब वो यहाँ पर ही पैदा हुआ है, या फिर नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गया. हम पढ़ेंगे नेचुरलाइज्ड सिटीजन कैसे बनता है, कि मतलब वो अगर 14 साल से ऊपर इंडिया में रह लेता है तो वो यहाँ का नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन जाता है. ये दोनों ही सिटीजन को राइट है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन लड़ सकते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं. लेकिन USA में ये राइट नहीं है. USA में सिर्फ वही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है जिसका बर्थ USA में हुआ हो. ठीक है, तो सिटीजन्स बाय बर्थ नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. याद रखिएगा, इंडिया में दोनों बन सकते हैं, चाहे यहाँ पे बर्थ हुआ हो या नेचुरलाइज्ड हो, बर्थ हो या नेचुरलाइज्ड हो, दोनों इंडिया में प्रेसिडेंट बन सकते हैं. लेकिन USA में ऐसा नहीं है. USA में सिर्फ जिसका बर्थ USA में हुआ है वो ही वहाँ का प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल होता है. ठीक है, इतना समझ में आया?
देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें, हमने तीन चीज़ें डिस्कस की। पहले हमने देखा कि एक सिटीजन होता है, एक सिटीजन होता है, एक एलियन होता है, फिर एलियन एक सिटीजन होते हैं और कुछ एलियंस होते हैं, ठीक है। सिटीजन जो इंडिया है, इंडियन इंडिया की ही जिसके ऊपर सिटीजनशिप है। एलियंस भी दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन जो हमारी कंट्री के नहीं लेकिन हमारी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, और एक होते हैं एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन कहाँ से आते हैं, जिनके साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशन है। एनिमी एलियंस कहाँ से आते हैं, जिसके साथ हमारी वॉर चल रही है, वो एलियंस एलियंस होते हैं। कुछ जो राइट्स होते हैं वो सिटीजन्स को होते हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, लेकिन जो एलियंस होते हैं उन लोगों को कुछ राइट नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ राइट्स हैं जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर वो लोग भी यहाँ पे आके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्लेम करने लगेंगे, हमारी इंडिया की तो पॉपुलेशन इतनी ही ज़्यादा है, यहाँ के सिटीजन्स को ही जॉब नहीं मिल रही है, तो बाकी सब लोगों को भी अगर हम एलियंस को भी जॉब देने लग जाएंगे तो हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं बचेगी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेसिस पे, लेकिन दूसरी कंट्री के एलियंस आके अपना रिलीजन को प्रमोट करने लगेंगे तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का, असेंबली बनाने का, ये सबका राइट किसको है, सब सिटीजन्स को है। एजुकेशनल राइट्स भी सिटीजन्स को है। वोट करने का राइट भी किसको है, सिटीजन्स को है। इलेक्शंस कंटेस्ट करने का राइट भी किसको है, सिटीजन्स को है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन लिखे गए हैं सिटीजन्स को लेके, तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 और पार्ट 2 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनशिप के बारे में लिखा हुआ है। कौन कौन सा, आर्टिकल 5 to 11 और पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 इसमें क्या लिखा हुआ है सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। इट कंटेन्स नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी एलेबोरेट प्रोविजन्स इन दिस रिगार्ड। कोई भी परमानेंट और एलेबोरेटेड प्रोविजन्स नहीं लिखे गए हैं आर्टिकल 5 से 11 में। इस सिर्फ इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन हु बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिर्फ ये बताता है कि कौन जो है वो इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो एक्विजिशन से रिलेटेड है या सिटीजनशिप लॉस होने की जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ डील नहीं करता है। ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करता है जो एक्विजिशन में जो प्रॉब्लम आती है या आपकी सिटीजनशिप जो लॉस हो गई है उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसके साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील नहीं करता है। उसके साथ कौन डील करता है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, और सिटीजनशिप अगर किसी की लॉस हो गई तो उसके लिए, इसलिए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है सिटीजनशिप के एक्विजिशन के लिए, ठीक है। इसलिए पार्लियामेंट ने पहला जो सिटीजनशिप एक्ट लेके आया था वो लेके आया था 1955 में, उसको फिर बाद में और टाइम टू टाइम अमेंड किया गया था, और अभी जो फ्रेशली अमेंड किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो है 2019 का, ठीक है, ये याद रखिएगा। अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज होती है पर्सन की जो इंडिया के सिटीजन्स हो सकते हैं फ्रॉम द 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 क्यों डेट दी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उस दिन बन के तैयार हुआ था, वही कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन तक कौन कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है, पहला तो वो पर्सन जो हु हैड इज़ डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में ही रहता है, जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है और वो 3 कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। पहला, या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ है, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, मतलब उसके कोई माता या बेटा दोनों में से कोई एक जो है, मतलब दोनों उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं। इफ़ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, या फिर कोई भी इंसान जो ऑर्डिनरीली इंडिया में रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, मतलब 1950 से 1955 तक वो इंडिया में ही रहा हो तो भी वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। सॉरी, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट आफ्टर द कमेंसमेंट, मतलब 1950 के पहले वो इंडिया का सिटीजन रहा हो, मतलब कि वही की इंडिपेंडेंस से वो इंडिया का सिटीजन रहा हो तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है, मतलब इंडिया में रहा हो तो वो सिटीजन बन सकता है। तो पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन इंडिया, 3 कंडीशन, या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या उसके ईदर ऑफ हिज पेरेंट, मतलब या तो माँ या पापा वो इंडिया में बॉर्न हुए हो, या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो 26 जनवरी 1950 से 5 साल के लिए इंडिया में, मतलब 1950 से 5 साल, मतलब 1945
5 से वो इंडिया में रहा हो एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो भी वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। दूसरा कौन होते हैं, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया से इंडिया में माइग्रेट होके आया है पाकिस्तान से टू बिकम एन इंडियन सिटीजन, मतलब उसको इंडिया में सिटीजन बनना है इसलिए वो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आया है तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। इफ़ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, और वो कब आया हो जब उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में रहते हों तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। ठीक है, थर्ड क्या हो सकती है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन, ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान तो गया हो लेकिन पाकिस्तान से वापस लौट के इंडिया में आ गया हो रीसेटलमेंट करने के लिए तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कराने के पहले उसको 6 महीने और इंडिया में रहना ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गई। चौथा, अ पर्सन हु और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज़ ऑर्डिनरीली रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान जिसका पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो लेकिन वो अभी आउटसाइड इंडिया में रह रहा है तो वो भी क्या कर सकता है, इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, दस दिस प्रोविजन कवर्स द ओवरसीज सिटीजन ओवरसीज इंडियंस हु मे वॉन्ट टू एक्वायर इंडियन सिटीजन, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है। देखो आप वापस एक बार देख लीजिए, अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड करता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंट। ठीक है, रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब वो वहाँ पे जिस भी कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेड है वहाँ पे वो एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड कर दे तो वो इंडिया का रजिस्टर्ड सिटीजन कहलाएगा, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस प्रोविजन कवर्स द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हु मे वॉन्ट टू एक्वायर इंडियन सिटीजन, कोई भी ओवरसीज सिटीजन इंडिया का जो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है उनके लिए कवर करता है। तो कौन कौन सी 4 कैटेगरी हो गई, एक तो पर्सन जो जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है मतलब वो इंडिया में बॉर्न हुआ है या उसके ईदर ऑफ इस पेरेंट जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो वो इंडिया का सिटीजन है। दूसरा, कोई पर्सन जो है वो पाकिस्तान माइग्रेट होके चला गया है और वापस, ऐसा कोई पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया में आया है वो भी इंडिया का सिटीजन हो सकता है। तीसरा, कोई इंसान पहले पाकिस्तान चला गया था फिर वापस इंडिया में आया रीसेटलमेंट करने के लिए तो वो भी हो सकता है। और चौथा, जिसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए लेकिन वो आउटसाइड रह रहा है इंडिया में लेकिन अगर वो डिप्लोमेटिकली अगर रजिस्टर्ड कर देता है एज अ इंडियन सिटीजन तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो मतलब टोटली अगर हम इनको समअप करें कि कौन कौन सिटीजनशिप बन सकता है, तो पहला पर्सन जिसका डोमिसाइल है इंडिया में, दूसरा पर्सन जो माइग्रेट होकर आया है पाकिस्तान से, तीसरा वो जो पर्सन पाकिस्तान माइग्रेट होकर चला गया था पर वापस वो रिटर्न आ गया है वो भी बन सकता है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन इंडिया के आउटसाइड में रहता है वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिसके अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजन बन सकता है। अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप आर एज फॉलोस, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन्स क्या क्या हैं सिटीजनशिप बनने के, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही इज, अच्छा कौन कौन से, अच्छा पहला है, कोई भी ऐसा पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड अ सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा अगर वो किसी दूसरी कंट्री की या किसी दूसरी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेगा। जैसे मान लो कोई इंडिया में रह रहा है, ठीक है, इंडिया की सिटीजनशिप है लेकिन उसको यूएसए भी अच्छा लगने लग गया, थोड़े दिन यूएसए रहा और यूएसए की सिटीजनशिप उसने एक्वायर कर ली तो उसी दिन से वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं रहेगा। मतलब इंडिया का सिटीजनशिप होने के लिए आपके पास सिर्फ इंडिया का सिटीजनशिप होना ज़रूरी है, उसके अलावा आप किसी भी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप
लेते हो तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे. एवरी पर्सन हु इज़ और डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाई दी पार्लियामेंट. अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ऐसा सेकेंड बोलता है. तीसरा, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी प्रोविजंस बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन. सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करना है, कैसे टर्मिनेट करना है, उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और ये लॉ सबके लिए इक्वल है और सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा. ठीक है, पहला हमने देखा कि अगर कोई दूसरे दूसरी कंट्री की, फॉरेन कंट्री की अगर सिटीजनशिप आप ले लेते हो तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे. दूसरा हमने देखा कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है वो सबके लिए एप्लीकेबल है. तीसरा, जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी तरह का लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के लिए, चाहे वो एक्वायर करने वाला हो चाहे वो टर्मिनेशन करने वाला हो. ठीक है, इतने समझ में आया? अब देखो सिटीजनशिप एक्ट क्या है 1955 का, इतना समझ में आया? पहले तो आर्टिकल 5 to 11 जो है सिटीजनशिप के बारे में है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है. और चार तरह से हम इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं. एक तो पहले डोमिसाइल होना चाहिए, दूसरा पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आया है, तीसरा पर्सन जो पाकिस्तान माइग्रेट हो गया था बट वापस लेटर रिटर्न आ गया है वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है, और कोई भी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन आउटसाइड इंडिया रह रहा है वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है. और तीसरा, इसके बाद हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखे कि अगर फॉरेन कंट्री की आप सिटीजनशिप ले लेते तो आप इंडिया की सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट हो जाती है, और पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो सबके लिए एप्लीकेबल है सिटीजनशिप से रिलेटेड. तीसरा, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ एंड कोई भी प्रोविजन बना सकती है सिटीजन एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन के ऊपर. ठीक है, इतना क्लियर है. उसके बाद आता है सिटीजनशिप एक्ट, जो हमको प्रोवाइड करता है एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो, कैसे लूज कर सकते हो, उसके बारे में लिखा हुआ है. ठीक है, और ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप बट द प्रोविजन वॉज रिपील्ड बाई द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2003. पहले ये लिखा गया था 1955 में कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी आप ले सकते हो, लेकिन बाद में 2003 में इसको रिपील कर दिया कि नहीं, आप किसी कॉमनवेल्थ नेशन की भी सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो, और अगर आपने किसी और दूसरी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी. अब एक्विजिशन की इन्होंने कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हो तो वो बताया है कि तो 5 तरीके हैं जिससे आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो. या तो आपका बर्थ हुआ हो, या डिसेंट, डिसेंट मतलब आपका यहाँ बर्थ हुआ हो और उसके बाद आप यहाँ की, मतलब आपका बर्थ कहीं और हुआ लेकिन आप इसी ओरिजिन के हो तो डिसेंट. फिर रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हो. नेचुरलाइजेशन मतलब नेचुरली आप काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हो तो बन जाते हो सिटीजन. इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब किसी टेरिटरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर लेती है तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे. ठीक है, तो बाय बर्थ मतलब अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इट्स पेरेंट. अगर कोई भी इंसान जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है, चाहे उसके पेरेंट यूएसए से आए हों इंडिया में रहने के लिए और उसका बर्थ जो है वो इंडिया में हो गया है, तो वो इंसान क्या होगा, इंडियन सिटीजन कहलाएगा. ठीक है, और अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. ठीक है, एक तो पर्सन इंडिया में ही बॉर्न हुआ हो, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा इज रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट. दूसरा, अगर कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ हो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया बोलेंगे अगर उसके ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके बर्थ के टाइम पर उसके कोई भी पेरेंट एक जो है वो इंडियन हो. फर्दर, दोज बॉर्न इन इंडिया आर कंसिडर सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ दोज पेरेंट्स इज अ. देखो एक और क्या होता है कि किसी को भी इंडिया का सिटीजन कंसिडर किया जाएगा अगर उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दोनों या तो दोनों उसके पेरेंट इंडिया के सिटीजन्स हो,
या फिर उसका एक कोई पेरेंट है वो इंडिया का सिटीजन हो और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट होना मतलब वो ऐसी जगह से ना आया हो जो इलीगली इंडिया में आया हो। इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो यहाँ पे आके रह रहा है। तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, तो वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। जो फॉरन डिप्लोमेट्स होते हैं जो इंडिया में आके रहते हैं, जैसे नेपाल का कोई डिप्लोमेट है वो इंडिया में आके रह रहा है, तो उनका उनके जो बच्चे होंगे वो इंडियन सिटीजन्स नहीं कहलाएंगे। या फिर कोई एनिमी एलियन है, जैसे एनिमी एलियन मतलब उन कंट्री के लोग जिनसे वॉर चल रही है वो इंडिया में रह रहे हैं और वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो वो उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। फिर दूसरा हमने देखा बाई डिसेंट। बाई डिसेंट मतलब अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट बिफोर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डिसेंट इफ हिज फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अगर कोई पर्सन जो है वो आउट ऑफ इंडिया जिसका जन्म हो रहा है, मतलब पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया लेकिन उसका जो इनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के ही हैं, मतलब उनके जो फादर हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया है उस टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो भी इंडियन सिटीजन बन जाएगा। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया इज़ अ कंसिडर सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। उसके बर्थ के टाइम पे उसके पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए उस टाइम पे, तो वो क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन कहलाया जा सकता है। और उसका जो बर्थ है, बर्थ इज़ रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर और द डेट ऑफ बर्थ और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। अब जब उसका जन्म हुआ है, अगर आउटसाइड इंडिया उसका जन्म हुआ है, तब भी वो इंडियन कॉन्सुलेट जो है वहाँ पे उस फॉरेन कंट्री में वहाँ पे जाके रजिस्टर करा दे कि हमारा जो है हमारे बच्चे का बर्थ हुआ है, तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। लेकिन कितने टाइम में उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, विद इन 1 ईयर। ठीक है, अगर उससे लेट हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगनी पड़ेगी, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू एन इंडियन कॉन्सुलेट शैल बी अकम्पलेंड बाय द अंडरटेकिंग इन राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट ऑफ सच माइनर चाइल्ड दैट ही और शी डज नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री। अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड मतलब कोई भी बच्चा जो 18 ईयर्स से कम का है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इंडियन कॉन्सुलेट को ये राइटिंग में लिखना पड़ेगा दोनों पेरेंट्स का कि ये जो माइनर चाइल्ड है उसका कोई दूसरी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। मान लो कि कोई बच्चा है जो यूएसए में पैदा हुआ है, ठीक है, अब उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है, तो उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं उसको इंडियन कॉन्सुलेट में लिख के देना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है यूएसए में रह रहा था लेकिन उसका वहाँ पर कोई पासपोर्ट नहीं है, वो इंडिया में ही आना चाहता है और इंडिया के ही पासपोर्ट को वो एक्वायर करेगा। ठीक है, फर्दर अ माइनर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट एंड इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री शैल सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही डज नॉट रिनाउंस द सिटीजन्स और नेशनैलिटी ऑफ अनदर कंट्री विद इन 6 मंथ ऑफ अटेनिंग फुल एज। और ये जो माइनर चाइल्ड है जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, अगर ये दूसरी कंट्री की जो सिटीजनशिप है या नेशनैलिटी है उसको रिनाउंस नहीं करेगा विद इन 6 मंथ ऑफ अटेनिंग फुल एज। अटेनिंग फुल एज मतलब 18 ईयर्स का होने के पहले, 6 मंथ पहले ही अगर ये रिनाउंस नहीं करेगा तो इसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन एनी पर्सन नॉट बीइंग एज इलीगल माइग्रेंट। अगर कोई भी पर्सन अगर वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, किसी को रजिस्टर्ड करती है एज अ इंडियन सिटीजन। अब इसके लिए मेनली क्या होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिनल हु इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। उस पर्सन को ही रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन है अगर वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब इंडिया में कम से कम वो कितने साल रहा हो, 7 साल रहा हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। कोई भी पर्सन ऑफ इंडिया जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कंट्री में और कोई भी ऐसी प्लेस जो आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया आती है वहाँ पर रहा हो। पर्सन जो है वो मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर।
एक किसी की शादी ऐसे इंसान से हो गई हो जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया का, वो उसको भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम पर दे सकते हैं इंडिया से। माइनर चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हुआ, जो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसका माइनर चिल्ड्रन हो पर वो आउटसाइड इंडिया रह रहा, वो भी ले सकता है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी उस पेरेंट आर रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी इधर ऑफ इज पेरेंट, या तो उसके पेरेंट या इधर ऑफ इज पेरेंट फुल एज कैपेसिटी रजिस्टर एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए कर सकता है, फॉर 5 ईयर्स के लिए उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। एंड हु इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, जब भी देखो 5 साल के लिए तो आपको रहना ही है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के, सॉरी रखो, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स एंड हु इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया फॉर 12 मंथ्स, मतलब इंडिया का एज ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए 12 मंथ्स का, तो ही उसको OCI कार्ड होल्डर के लिए रजिस्टर्ड कर सकता है, ठीक है। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और इन सच अदर टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। ऑल दी एवव कैटेगरीज ऑफ द पर्सन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिगेंस बिफोर दे आर रजिस्टर्ड द इंडियन सिटीजन, मतलब इन सब ये सब लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या तो उनके इधर पेरेंट्स यहाँ पे रहा हो, या वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो 7 साल के लिए, ये सारे लोग जो हैं वो इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाय नेचुरलाइजेशन, इसमें क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट फॉर नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन इफ़ ही पजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन के थ्रू नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे सकती है अगर वो इन सारी क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करता हो। पहले दैट ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। वो किसी ऐसी कंट्री को बिलोंग नहीं करना चाहिए जिसके साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हैं, ठीक है। इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस, अगर वो चाहता है कि वो इंडिया का सिटीजन बने तो उसके पास कोई भी दूसरी अदर कंट्री का सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो उसको उसको रिनाउंस करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, तो ही वो इंडियन सिटीजनशिप उसको एक्सेप्ट करेगी। तीसरा, दैट ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन अ सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है या फिर वो गवर्नमेंट की कोई सर्विस कर रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये वो जिस दिन से वो एप्लीकेशन सबमिट करता है कि हाँ मुझे इंडियन सिटीजन बनना है, तो वो कम से कम उसके बाद 12 महीने और इंडिया में रहना पड़ेगा उसको, तब जाके उसको इंडियन सिटीजन मिलेगी। दैट ड्यूरिंग द 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो टोटल 14 ईयर्स के लिए उसको इमीडिएटली प्रिसीडिंग द सेड, हाँ 14 ईयर्स के लिए भी रहना पड़ेगा प्लस 12 मंथ्स के लिए, जिस दिन वो एप्लीकेशन रजिस्टर करेगा उसके बाद 12 मंथ्स के लिए भी रहना पड़ेगा, तो भी वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन बोला जाएगा, और उसका गुड कैरेक्टर होगा, एडिक्वेट नॉलेज होगी, जो भी लैंग्वेज स्पेसिफाइड की गई है 8th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लैंग्वेज स्पेसिफाई की है, वो उसको आता हो, ठीक है, तो उन सबको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर लेती है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके जो सिटीजन्स हैं वो और ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। जैसे कि पौंडीचेरी को एक्वायर किया था 1962 में, तो उसके जितने भी रेसिडेंट थे वो क्या बन गए थे, इंडियन सिटीजन्स बन गए थे। अब स्पेशल प्रोविजंस एज अ सिटीजन ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड, आसाम में क्या हुआ था, देखो आसाम जो है वो बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा था, लोग आसाम आकर रह रहे थे, तो उन सबको क्या दिया गया था, वो सब लोगों के लिए सिटीजनशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे गए थे। ऑल दी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा बोला था कि ऑल दी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम बिफोर द 1st January 1966 फ्रॉम बांग्लादेश एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स इन आसाम सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इन टू आसाम शैल बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी इंसान जो 1 January 1966 के पहले बांग्लादेश से इंडिया आया है, तो वो इंडिया का ही रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन
कोई भी इंसान इंडियन ओरिजिन का भी है लेकिन वो असम आया है आफ्टर 1 जनवरी 1966 या पहले 25 मार्च 1971 के पहले वो असम में आ चुका है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा असम का। लेकिन अगर 25 मार्च 1971 के बाद अगर वो इंडिया में आया है तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक तो है, दो डेट याद रखना, 1 जनवरी 1966 के पहले जो आया है बांग्लादेश से माइग्रेट होके वो इंडिया का सिटीजन है, या फिर 24 मार्च 1971 तक जो भी आया है वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, बांग्लादेश से जो भी आया है, अगर 25 मार्च के बाद कोई भी आए तो वो इंडिया का वो सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे एक्वायर कर सकते हैं, बर्थ के थ्रू हम एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, डिसेंट के थ्रू हम एक्वायर कर सकते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम एक्वायर कर सकते हैं, चौथा पढ़ा था नेचुरलाइजेशन के थ्रू हम एक्वायर कर सकते हैं, पांचवा पढ़ा था कि किसी टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन कर लेते हैं तो भी हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। फिर आएगा लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो आपकी सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकती है। पहला होता है बाय रिनन्शिएशन। रिनन्शिएशन मतलब आपने छोड़ दी सिटीजनशिप। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजन। मान लो मैं इंडिया में रह रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को कोई दूसरी कंट्री में रहना है, तो मैं इंडिया की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रही हूँ, तो उस केस में भी आपकी सिटीजनशिप क्या होती है, लॉस हो जाती है। दूसरा आता है बट टर्मिनेशन, मतलब अगर आपने किसी और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन के थ्रू आपकी सिटीजनशिप क्या हो गई, ये ख़त्म हो गई। तीसरा होता है बाय डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन मतलब कंपलसरी टर्मिनेशन कर देते हैं अगर कोई इंडियन सिटीजन का बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, किस बेसिस पे, या तो उसने कोई फ्रॉड किया हो इंडिया के साथ में, या कोई डिसलॉयल्टी दिखाई हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, या अनलॉफुल ट्रेड किया हो, या विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रेजेंट इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। अगर वो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने के विद इन 5 ईयर में कहीं पे इम्प्रिजनमेंट के लिए चला जाता है या उसको जेल हो जाती है दूसरी कंट्री में, ठीक है, तो उसका भी टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली, अगर इंडिया के बाहर रह रहा है 7 ईयर्स तक कंटिन्यूसली तो भी उसकी सिटीजन को डिप्राइव कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। अब एक और एक कॉन्सेप्ट होता है, ये समझ में आया, देखो एक्वायर करने की और लूज करने की सिटीजनशिप, पहली होती है बर्थ के थ्रू, दूसरी होती है डिसेंट के थ्रू, तीसरी होती है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, चौथी होती है नेचुरलाइजेशन के थ्रू, और पांचवी होती है इनकॉर्पोरेशन के थ्रू। ठीक है, अब लूज करने में क्या होता है, एक तो हो गया हमने रिनाउंस कर दिया, दूसरा हो गया टर्मिनेट हो गई, तीसरा होता है डिप्राइव कर दिया, मतलब उसको बका दिया। चलो अब आते हैं, हम पढ़ते हैं सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है। देखो इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजन है, ऑल दो हमारी इंडिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन हमने स्टेट के हिसाब से सिटीजनशिप नहीं दी है। इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजन है, मतलब आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी पार्ट में रहते हो, तो आप क्या कहलाओगे, इंडियन कहलाओगे, तो आपके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन। ठीक है, जबकि अदर फेडरल स्टेट्स जैसे यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, इनमें क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। ठीक है, डबल सिटीजनशिप होती है, मतलब कोई भी पर्सन यूएसए में रह रहा है तो वो सिर्फ यूएसए का सिटीजन नहीं है, बट वो पर्टिकुलर स्टेट, अगर जैसे वो कैंसास में रह रहा है या टेक्सास में रह रहा है तो वो वहाँ का भी सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं इंडिया और यूएसए के बीच में। इंडिया में सिंगल सिटीजन है और यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, अच्छा अब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मतलब ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, मतलब रिसाइड करते हैं आउटसाइड द इंडिया, तो उनके लिए कैसे हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए आया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सेप्टेम्बर 2000 में क्या हुआ था,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की थी इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा मतलब जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा के हैं, उनके लिए कैसे हम सिटीजनशिप लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, एल एम सिंघवी कमेटी। ठीक है, इस कमेटी का नाम पूछा जाता है कि एल एम सिंघवी कमेटी जो थी वो किसके लिए बनाई गई थी, तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अब देखो कमिटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जनवरी 2002 में और इन्होंने एक अमेंडमेंट रिकमेंड किया था जिसमें डुअल सिटीजनशिप दी गई थी टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्री। मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी जो पर्सन इंडिया ओरिजिन का है तो उसको सिटीजनशिप हम दे सकते हैं, PIO दे सकते हैं। फिर 2003 में एक और अमेंडमेंट आया था जिसमें एक नया प्रोविजन ऐड किया गया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब OCI का, बाय द कितनी 16 स्पेसिफाइड कंट्री जहाँ पे अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रह रहे हैं तो उनको हम ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया का टैग दे सकते हैं। इट ऑल्सो ऑमिटेड ऑल दी प्रोविजन रिलेटिंग टू द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्ट, तो उस कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को रिपील कर दिया था 2003 में। फिर एक और अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में जिन्होंने जो ग्रांट्स थी OCI की और फॉर PIOs ऑफ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मतलब जितने भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उन सबको नया प्रोविजंस और नए ग्रांट्स दिए गए थे, सिर्फ किसको नहीं दिए गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो ये सारी किए गए थे। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द OCI इज नॉट एक्चुअली अ डुअल सिटीजनशिप एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स द डुअल सिटीजन और द डुअल नेशनैलिटी। OCI जो है वो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करती है, वो सिर्फ जो पर्सन आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं उनके लिए सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उन्होंने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ली हो तो, ठीक है, उनके लिए, मतलब इंडियन डायस्पोरा जो फॉरेन कंट्री में रह रहा है उनके लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया लिए है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डुअल नेशनैलिटी को फॉलो नहीं करती है। फिर अगेन एक और एक्ट आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसमें एक प्रोविजन दिया गया OCI से रिलेटेड। इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। ये नई एक स्कीम लगाई बाय मर्जिंग द PIO कार्ड स्कीम एंड OCI कार्ड स्कीम। पहले दो कार्ड स्कीम चल रही थी, एक तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम प्लस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम। ठीक है, अब क्या किया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला दोनों तो सेम ही हैं, तो दोनों को मर्ज करके एक नई स्कीम लेके आई गई जिसका नाम था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, अगर कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है तो उसको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, PIO कार्ड स्कीम मैंने जो अभी पढ़ाया था, PIO की कार्ड स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई थी, 2002 में की गई थी। OCI कार्ड स्कीम कब की गई थी, 2005 में की गई थी। फिर 2015 में PIO और OCI दोनों को मर्ज करके क्या लेके आया गया, OCI कार्ड होल्डर स्कीम लेके आए। ठीक है, इतना समझ में आया, PIO 2002 में आया, OCI 2005 में आया और OCI कार्ड होल्डर स्कीम किस में आई, 2015 में आई। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 था जिसने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर नाम दिया गया था, उसमें कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस को ऐड किया गया। क्या क्या प्रोविजंस थे, पहला जो था वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, कि कैसे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे एन एप्लीकेशन मेडेड इन दिस बिहाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन जनरेट करेगी किसके लिए, पहला हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री वॉट बट वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम ऑफ द आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ऐसा इंसान जो किसी ऑफ हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर, मतलब दूसरी कंट्री का सिटीजन है लेकिन इसके पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंडिया का सिटीजन रहा हो तो उसके लिए लॉन्च कर सकती है। दूसरा हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट एलिजिबल टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
वो अभी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स हुआ था तब वो इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था। तीसरा, हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग टू द टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त। अगर कोई भी टेरिटरी, जैसे पौंडीचेरी है फॉर एग्जाम्पल, पौंडीचेरी में अगर वो रहता था और तब वो एलिजिबल था कि इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, लेकिन उसके बाद वो आउट ऑफ इंडिया चला गया और वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो भी उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का हम क्या दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, कार्ड होल्डर दे सकते हैं। ठीक है, हु इज़ अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड इज ऑफ सच अ पर्सन, हु इज़ अ माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन मैंशन, अ पर्सन हु इज़ अ माइनर चाइल्ड स्पाउस ऑफ फॉरन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, स्पाउस ऑफ फॉरन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एंड हुज मैरिज हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड सब्सिस्टेड फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। समझ में आया, कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो पहले इंडिया में कभी रहा हो और वो एलिजिबल हो इंडियन इंडियन सिटीजनशिप के लिए और उसके बाद वो आउट ऑफ इंडिया चला गया हो, तो वो सब लोग एलिजिबल होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम के लिए। ठीक है, अब दूसरा, कॉन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। कॉन्फर्मेंट मतलब, देखो, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू सच राइट्स एज द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाव। जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ कुछ स्कीम्स या कुछ प्रोविजंस रखती है, कुछ राइट्स देती है। जैसे क्या क्या राइट्स देती है, ही शैल नॉट, उनको कुछ राइट्स देती है और कुछ राइट्स से कुछ राइट्स उनको नहीं देती है। कौन कौन से राइट्स उनको नहीं होते हैं, तो पहला, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दूसरी कंट्री की सिटीजन है। प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वोटर के लिए एलिजिबल नहीं है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और मतलब हमारी जो जितनी भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। पब्लिक ऑफिसेज को होल्ड करने के लिए ओसीआई कार्ड होल्डर एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, वोटर की तरह रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर नहीं बन सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए भी वो एलिजिबल नहीं होते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो होते हैं। ठीक है, अब रिनन्सिएशन कैसे होता है ओसीआई कार्ड होल्डर का, अगर इफ़ एनी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर मेक्स इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर और डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग द कार्ड रजिस्ट्रेशन हिमसेल्फ, मतलब वो खुद से रिनाउंस कर दे कि हाँ उसको अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ मैंने रिनाउंस कर दिया है। दूसरा, वेयर अ पर्सन सीज टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर द स्पाउस ऑफ द फॉरन ओरिजिन ऑफ दैट पर्सन हु हैज़ ऑप्टेंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड एंड एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर सेल देयर अपॉन सीज टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। मतलब कोई भी पर्सन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सीज कर देगा, मतलब ओसीआई कार्ड होल्डर्स को सीज हो जाएगा अगर जो उसकी स्पाउस है वो फॉरेन ओरिजिन की है, उस पर्सन की जो स्पाउस है अगर वो फॉरेन ओरिजिन की है और उसके जो माइनर चाइल्ड्स हैं उन सबको भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर दिया है, लेकिन अगर उनकी स्पाउस फॉरेन ओरिजिन की है तो उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कैंसिलेशन क्या होता है, ये तो दो तरीके से आप रिनाउंस कर सकते हो। चौथा होता है कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर। कैंसिलेशन कैसे होता है, इफ़ दी रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर वॉज ऑप्टेन बाई मीन्स ऑफ, देखो, फ्रॉड किया हो तो आपका रिनाउंस हो जाएगा। ठीक है, डिसअफेक्शन शो किया हो तो आपका, अनलॉफुल ट्रेड किया हो तो भी आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया हो लेकिन इम्प्रिजनमेंट हो गया हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, या कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट हो तो उस केस में भी आपका कैंसिल हो सकता है। द मैरिज ऑफ एन ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज़ बीन डिजॉल्व बाय कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू उसको मैरिज को अनवॉइड डिक्लेयर किया हो। ठीक है, तो इन सारे केसेस में क्या होगा, ओसीआई आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है NRI, क्या होता है PIO और क्या होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
PIO क्या होता है? एन इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट। अगर कोई इंडियन है, कोई इंडियन पर्सन है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट भी है और उसकी किसी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग गई और उसको ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से किसी दूसरी कंट्री में भेजा जाए, मान लो यूके की कोई स्टेट या कोई सिटी में भेजा जा रहा है और वहाँ पर वो रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट इंडियन बोला जाएगा। मतलब ऐसा इंडियन पर्सन जो इंडिया में नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम नॉन रेसिडेंट इंडियन। एंड इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट। मतलब इंडिया के आउटसाइड में तो रह रहा है लेकिन उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? NRI बोलते हैं। ठीक है। अब PIO क्या होता है? मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का पर्सन है हुज़ एनी ऑफ एंसिस्टर वॉज एन इंडियन नेशनल एंड हु प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप और नेशनैलिटी ही इज और शी इज़ होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट। कोई भी इंसान जिसका पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन वो जो खुद पर्सन है वो आउटसाइड इंडिया में रह रहा है और उसी दूसरी फॉरेन कंट्री का उसके पास पासपोर्ट है, मतलब इंडियन पासपोर्ट नहीं है, फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है और फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट है, लेकिन वो उसके जो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ में आया NRI और PIO में क्या डिफरेंस है? NRI जो होते हैं वो इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं, इंडिया के ही रहने वाले होते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ इंडिया रहने गए हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? जिसके पास दूसरी कंट्री की ही सिटीजनशिप है, दूसरी कंट्री का ही पासपोर्ट है, लेकिन उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसमें इंडियन ओरिजिन के रूट्स हैं। तीसरा होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसे होते हैं कि जिनके पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप भी है और वहाँ का ही पासपोर्ट है, लेकिन उनकी जो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स है उनका जो ओरिजिन है वो इंडिया में है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये आप चाहे तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते। अच्छा, एक मैं ये आपको बता देती हूँ। हाँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, उनको वो किस इंडिया को विजिट करते हैं विदाउट वीज़ा फॉर लॉन्ग लाइफ लॉन्ग। मतलब कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या जिसके पास OCI कार्ड होल्डर है वो इंडिया को कभी भी विजिट कर सकता है विदाउट वीज़ा। ठीक है, जैसे लेकिन अगर किसी और इंसान को USA से इंडिया आना होता है तो उसके लिए उसको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमको भी इंडिया से दूसरी कंट्री में जाना होता है तो हम अगर वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो हमको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो OCI होते हैं, जिसका PIO होता है, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, वो लोग विदाउट वीज़ा इंडिया में आके रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग। ठीक है, ये एक बेनिफिट होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब हमने देखा था कि जो अब हमने पूरे लेक्चर में क्या देखा, सिटीजनशिप क्या होती है हमारी इंडिया में, सिंगल सिटीजनशिप होती है, USA में डुअल सिटीजनशिप होती है। सिटीजन्स भी दो तरह के होते हैं, एक इंडियन सिटीजन्स होते हैं और एक एलियंस होते हैं। फिर एलियंस में भी हमने दो देखा, एक फ्रेंडली एलियंस होते हैं और एक एनिमी एलियंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन को इंडियन सिटीजनशिप मिलती है? एक तो जिसका डोमिसाइल इंडिया का हो, दूसरा जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट होके आया हो, तीसरा जो पर्सन पाकिस्तान गया हो और वापस इंडिया में रिटर्न बैक किया हो, तो उसको भी क्या हो सकता है, हम इंडियन सिटीजन बना सकते हैं। और चौथा, कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के आउटसाइड में रहता है वो भी वापस इंडिया में आके इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। अब हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 5 से 11 और Part 2 में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया है, लेकिन सिर्फ ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है, लेकिन क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए एक्विजिशन को लेके, टर्मिनेशन को लेके, उसकी पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है, ये याद रखना। फिर हमने देखा था कि कैसे एक्वायर कर सकते हैं, तो 5 तरीके होते हैं, बर्थ से कर सकते हैं, दूसरा डिसेंट से कर सकते हैं, तीसरा रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं, चौथा नेचुरलाइजेशन से कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन के लिए 14 ईयर्स चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए 7 ईयर्स चाहिए होता है। ठीक है, फिफ्थ हमने देखा इनकॉर्पोरेशन, अगर आपने कर लिया है किसी टेरिटरी का तो भी आप टेरिटरी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। टर्मिनेट कैसे होती है, तो हमने देखा था पहले तो रिनाउंस कर दिया, रिनंसिएशन हो गया, दूसरा
टर्मिनेशन हो गया अगर उसने किसी दूसरी कंट्री की एक्वायर कर लिया। तीसरा हमने देखा था डिप्राइव करना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर देती है। तो ये चार तीन हमने देखे थे जिससे सिटीजनशिप लॉस हो जाती है। फिर हमने देखा था NRIs के बारे में, PIOs क्या होते हैं और OCI कार्ड होल्डर स्कीम क्या है। NRIs क्या होते हैं? ऐसे इंडियन सिटीजन्स जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन वो किसी वर्क परमिट को लेके किसी दूसरी कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो इंडिया में नहीं रिसाइड कर रहे हैं अभी, बस सिर्फ उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जिसकी जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, ठीक है, जिसके पास दूसरी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप है, जिसके पास फॉरेन पासपोर्ट है लेकिन उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, इस वजह से वो उनके पास क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो इनके लिए एक कार्ड स्कीम आई थी, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम, जिसके थ्रू इंडिया क्या होती है कुछ बेनिफिट्स देती है इनको, OCI कार्ड होल्डर्स को, ठीक है। लेकिन इनको क्या क्या बेनिफिट्स नहीं होते हैं कि ये पब्लिक ऑफिस कोई होल्ड नहीं कर सकते हैं हमारी कंट्री का, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, MPs, MLA इन सबके इलेक्शंस ये नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, ये होता है। इनके लिए बेनिफिट क्या होता है PIOs के लिए? ये बेनिफिट है कि कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो विदाउट वीज़ा इंडिया में रिसाइड कर सकता है लाइफ लॉन्ग, ठीक है, ये एक बेनिफिट इनको दिया जाता है। अब आर्टिकल 5 से 11 में क्या क्या दिया है एक बार हम लिख ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में दिया है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कि सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, सॉरी सॉरी सिटीजनशिप का राइट किसको है जो माइग्रेट हो क्या है इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 में दिया है सिटीजनशिप का राइट जो सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को माइग्रेट हो गए थे और फिर वापस इंडिया में, उनके लिए। फिर आर्टिकल 8 में दिया है जो इंडियन पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन के पर आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं उनको कैसे राइट है सिटीजनशिप लेने का, ठीक है। फिर आर्टिकल 9 में मेंशन किया है पर्सन वॉलेंटरीली एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। अगर कोई भी इंसान अगर फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहता है, वो किस में लिखा है आर्टिकल 9 में रखा है। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, आप कैसे अपनी सिटीजनशिप को कंटिन्यू रख सकते हो, उसके लिए आर्टिकल 10 में दिया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 11, जिसमें लिखा है कि कैसे पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है, लॉज बना सकती है एक्विजिशन और टर्मिनेशन के ऊपर, राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। तो ये मेन आर्टिकल्स है जिसको याद रखना, एक तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है लॉ बनाने के लिए, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आउटसाइड रिसाइड कर रहे हैं वो आर्टिकल 8 में है, और अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है आर्टिकल 9 में, ठीक है। तो ये हो गया सिटीजनशिप वाला पूरा चैप्टर कम्प्लीट, उसके बाद ये देखिए ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके पहले के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। इसी के पैरेलल एक सीरीज़ चल रही है जिसमें पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ है, जो अभी हमने डिटेल में जो एक्सप्लेन किया मैंने, डिटेल में हमने जो डिस्कस किया, इसी का एकदम शॉर्ट वाला वीडियो आएगा जो सिर्फ 5 या 10 मिनट का होगा, जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको एकदम टाइम पे रिवाइज करने हैं, साथ में उसमें शॉर्ट नोट्स भी दिए गए हैं, तो उनका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने शॉर्ट नोट्स खुद बना सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।